I used to be extremely restless within. ये 5 साल पहले की बात है. तो उस restless mind की वजह से क्या हो रहा था, मेरे relationships में भी, मेरी जो relationship है मेरी wife के साथ में, वहाँ पर भी बहुत major issues चल रहे थे. लड़ाई झगड़े, गुस्सा, ये वो. एक छोटा सा incident है अगर वो मैं आपको बताऊँ तो, जिससे आप लोगों का myth टूटेगा कि भाई ये पता नहीं ये बंदा क्या है. हमारी लड़ाई हुई थी मेरी और मेरी वाइफ की करीबन 5.5-6 साल पहले, जहाँ पर इतना मुझे गुस्सा आ गया था कि LCD TV था, उसका पूरा रैक होता है, वो उठा करके मैंने धाड़ नीचे मतलब टीवी गिरा दिया था. एंड माय सन वाज स्टैंडिंग देयर. मेरे बेटे ने देखा था, 3-4 साल पहले तक भी बोलता था कि पापा आपने वो टीवी गिरा दिया था. तो उसके दिमाग में इतनी बुरी तरीके से बैठ गया था. तो दिस वॉज संदीप महेश्वरी, जो आपकी नज़र में तो वहीं पर उसकी सक्सेस स्टोरी खत्म हो जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बंदा फेलियर था. क्योंकि आपके लिए तो पैसा ही है ना सब कुछ. आपकी कहानी पैसे से शुरू होती है, पैसे पे खत्म होती है. बस वो बड़ा आदमी है. क्यों वो बड़ा आदमी है? उसके पास बड़ा पैसा है. ऐसी सोचते नहीं दुनिया. बड़ा आदमी है, कुछ बड़ा आदमी नहीं था. दुनिया की नज़र में बहुत सक्सेसफुल था, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. मतलब पूरे फैमिली में, यहाँ वहाँ, दुनिया में, दूर दूर तक उसके एग्जाम्पल दिए जाते थे संदीप महेश्वरी. क्योंकि हर मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में उसके इंटरव्यूज आ रहे थे कि सक्सेसफुल हो गया, यंग एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वर्ल्ड के कवर पेज पर फोटोग्राफ आ रही है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या. और बड़े बड़े प्लान्स थे बिजनेस के कि ये करना है, वो करना है. इसी को आप सक्सेस समझते हो. ये सब कचरा है, कुछ नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी वजह से लाइफ बेटर नहीं हो रही थी. क्योंकि जब एक माइंड रेस्टलेस होता है तो उस रेस्टलेस माइंड का असर सिर्फ काम पे नहीं आता है, लाइफ के हर एस्पेक्ट पे आ जाता है. सो माय माइंड वॉज रेस्टलेस. माइंड पे कंट्रोल जीरो था. गुस्सा आ जाता था बात बात पे. रात रात को भी 3-3 बजे तक नींद नहीं आती थी. आइडियाज घूमते रहते थे माइंड में कि अब ये करना है, वो करना है, वो करना है. तो कहने का मतलब था सब कुछ मेरे पास में. एज फार एज मनी इज कंसर्न, ह्यूज मनी वॉज देयर, बट इट वॉज यूजलेस. क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कुछ हो नहीं रहा था. बड़ी से बढ़िया गाड़ियां, ये वो सब कुछ था, लेकिन अंदर से आप देखोगे तो एक खालीपन था. देयर वॉज अ वॉइड विच वॉज देयर. एंड आई वॉज इन विपासना फॉर 10 डेज. विपासना के बारे में सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? अच्छा. तो एक 10 दिन का मेडिटेशन का प्रोग्राम है, जहाँ पे साइलेंस में रहना होता है, मोबाइल अलाउड नहीं है, कुछ नहीं है, और डेली मेडिटेशन करना होता है. तो वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंसेस हुए. और तो वहाँ पर जो बताया जा रहा था वो कुछ नहीं किया मैंने, यानी कि जो विपासना थी वो मैंने कभी करी ही नहीं. अपना ही कुछ और कर रहा था अंदर. मतलब अंदर से जो आ रहा था वो करता चला जा रहा था. मेरा शुरू से लाइफ में यही रहा है. आई नेवर गो बाय वॉट अदर्स आर टेलिंग मी टू डू. आई गो बाय जो मेरे अंदर से आ रहा होता है. सो वो कुछ आ रहा था अंदर से कि हाँ ये करना है, फिर ये करना है. अंदर से ही कुछ गाइडेंस चल रही थी. एंड आई केप्ट डूइंग दैट. सो वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंसेस हुए. तो वो एक्सपीरियंसेस उस टाइम तो बड़े अच्छे लगे, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हुआ था. उससे पहले मैंने ज़्यादा कोई मेडिटेशन ये वो कभी नाम भी नहीं सुना था. मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था इन फालतू की चीज़ों में. किस में इंटरेस्ट था? बिजनेस, पैसा. अब ये करना है, वो करना है, और ऑफिस खोलने हैं, ये खोलना है, वो खोलना है. दिमाग ऐसे चलता था. वहाँ से लाइफ की डायरेक्शन चेंज हुई. मैंने कहा ये हुआ क्या है अंदर? तो जानने के लिए फिर मैं पूरे इंडिया में भटका. अलग अलग जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज या ये वो लोग, सबसे पूछा क्या हुआ है मेरे साथ में, मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ. बार बार अकेले में बैठ करके मेडिटेशन करके उसको बार बार करने की कोशिश कर रहा कि दोबारा से हो जाए ये एक्सपीरियंस, दोबारा से हो जाए. होता नहीं है जैसे एक बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो दोबारा हो सकता नहीं है. दोबारा कैसे होगा? वो एक बार तो हो गया, किया थोड़ी था, वो भी हो गया था. समझ गए ना अंदर की दुनिया में क्या होता है. बाहर की दुनिया में अगर आपको कुछ करना है तो उसका एक मेथड है. आप ये करो तो वो दोबारा हो जाएगा. अंदर की दुनिया में वापस से एक एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करना है. देयर इज नो वे ऑफ डूइंग इट. तो आई वाज सफरिंग लाइक एनीथिंग. तो वहां से और परेशान होता चला जा रहा था और दिमाग खराब हो रहा था. ये हो क्या रहा है. देन आई केप्ट स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स और ये वो सारे जितने भी हैं, सब पढ़ता गया. कहीं कुछ जवाब नहीं मिला. समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. सब थियोरेटिकल बातें, इसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं. I wanted to understand कि क्या हुआ है, और दूसरा कि ये जो माइंड इतना रेस्टलेस है, इसको पीसफुल कैसे किया जाए. देन आई मेट अ फ्यू पीपल जो बड़े सिंपल से हैं. मतलब दे आर नॉट पीपल जिनका आपने नाम भी सुना होगा. सिंपल घर में रहते हैं अपनी वाइफ के साथ में, बच्चों के साथ में, बट समहाउ दे न्यू जो कुछ लिंक्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे. अंडरस्टैंडिंग ऐसी है ये, जहाँ पर अगर कुछ लिंक्स अधूरे रह जाते हैं ना, तो आप समझ नहीं सकते पूरे स्ट्रक्चर को. तो वहाँ से एक लिंक आया, एक यहाँ से आया. फिर जब वो पूरा कंप्लीट एक समझ आया कि अच्छा ये खेल है,
ये मेरे साथ में हुआ है और ये रियलिटी है, ये है, ये है, ये है, ऐसे करते 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 देन आई वेंट डीपर 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 इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और साथ साथ में सेशंस चल रहे थे, फिर करते 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 धीरे 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 खेल समझ आया कि हो क्या रहा है. तो फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, अगर आज पर मैं आ जाऊँ तो जो रेस्टलेसनेस थी अंदर वो ऑलमोस्ट 0% है. रिलेशनशिप्स आज की डेट में कमाल की है, बिकॉज जो सेंस ऑफ सेपरेशन है वो खत्म हो गया है. ये मेरे लिए रियल सक्सेस है और यही हम सबका गोल होना चाहिए लाइफ में. ये नहीं कि सिर्फ पैसा, ये नहीं कि सिर्फ मटेरियल सक्सेस, दैट इज यूजलेस. वो तब तक ही अच्छी लगती है जब तक हमारे पास में नहीं होती है. तो आज क्या है, है सब कुछ लेकिन फियर ऑलमोस्ट 0% है. सब मिटता मिट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो दिस आई फील इज द रियल सक्सेस फॉर मी. आज मैं जहां पर हूं किस वजह से, बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर जो बन गया हूं. और अंदर क्यों बन पाया, उसके पीछे दो रीजन है. एक तो ये जो मैं अंदर ही अंदर स्टडी करता चला जा रहा हूं अपने खुद के माइंड को, खुद की जो लाइफ है उसके एक्सपीरियंसेस से सीख रहा हूं. दूसरा ये जो सेशंस कर रहा हूं उसमें भी बड़ी हेल्प मिल रही है, क्योंकि आपसे बात करते करते बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो मेरे खुद के लिए नई होती हैं, जो मुझे खुद नहीं पता होता है कि ये कहाँ से आ गई. बहुत बार होता है कि कई बार बैठ करके मैं अपनी खुद की कई वीडियोस देख लेता हूँ. लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप क्या करते हो, हम तो आपकी वीडियोस देखते हैं, आप क्या करते हो. कई बार देख लेता हूँ कुछ वीडियोस जहाँ पे जोन आया होता है. कुछ वीडियोस होती है जो आप लोगों के लिए होती है, मतलब हंसी मजाक के लिए, मस्ती के लिए, जो आपको देखने में किक मिलती है, मैं वो सब नहीं देखता. लेकिन मेरी खुद की कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जहाँ पर मैंने खुद कुछ ऐसा डिस्कवर किया होता है जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो इतनी कमाल की चीज़ होती है कि उसको खुद देख करके मुझे खुद दोबारा सीखने को मिलता है. सो अब क्या है लाइफ का अलग डायरेक्शन क्या है, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज. पहले क्या था, बाहर ये करना है, बाहर वो करना है, वो करना है, वो करना है. अब बाहर सब कुछ अपने आप हो रहा है, क्योंकि अगर अंदर हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना, एक पीसफुल माइंड होता है, तो बाहर चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है. करना नहीं पड़ता, चीज़ें हो जाती हैं. अगर हम अंदर की दुनिया को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो बिजनेस को मैनेज करना खेल हो जाता है. लोगों के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है. मतलब इट इज़ लाइक खेल है जैसे बच्चों का. आज की डेट में लाइफस्टाइल ऐसा है, बड़ा ही सिंपल सा. मतलब इट्स नॉट के आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं तो पता नहीं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितना बिजी हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ. कुछ नहीं है, सब कुछ बैलेंस्ड है. सुबह आराम से उठता हूँ, आराम से ऑफिस जाता हूँ, शाम को टाइम से घर आ जाता हूँ, शाम को बच्चों के साथ में खेलता हूँ मज़े से. कल भी बैडमिंटन खेल रहा था 1-1.5 घंटे तक अपने बेटे के साथ में पार्क में. तो बड़ी सिंपल सी लाइफ है. अपनी वाइफ के साथ में बैठा रहता हूँ, बात करता रहता हूँ. लड़ाई झगड़े ऑलमोस्ट 0% है, होने की अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि बाउंड्रीज मिट गई. पहले जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे उसके जो जड़ थी वो क्या थी, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी. तो एक मैं हूँ, एक वो है, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े होने ही होने हैं. अब देर इज़ नो मी, देर इज़ नो शी, देर इज़ ओनली वी. तो जब इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो जाती है, यानी कि अंदर की दुनिया परफेक्ट हो जाती है, तो बाहर की दुनिया परफेक्ट हो जाती है. अगर आप चाहते हो आपकी बाहर की दुनिया परफेक्ट हो जाए लेकिन अंदर की दुनिया पे आपने कभी काम किया ही नहीं है, तो भूल जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल. आप चाहते हो आपके पेरेंट चेंज हो जाए, आप चाहते हो आपकी रिलेशनशिप में जिनके साथ में आप हो वो चेंज हो जाए, ये हो जाए, सब कुछ वैसा का वैसा है. मतलब मेरी वाइफ वैसी ही है जैसी 6 साल पहले थी, आप समझ गए, जिससे मेरे बहुत लड़ाई झगड़े होते थे. लेकिन आज सब कुछ बदल गया है. क्यों बदल गया, क्योंकि अंदर से ये बदल गया है. तो अगर एट दी एंड अगर मैं इसको सम अप करूं, जो भी मैंने कहा उसको, क्या है, बजाय बाहर काम करने के अगर हम अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी ठीक कर दें, अपने ऊपर काम करें, तो दैट इज अ सॉल्यूशन नॉट टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बट अ सॉल्यूशन टू ऑल दी प्रॉब्लम्स. अगर हम अपने अंदर की दुनिया को सॉर्ट आउट कर लें और फिर हम बाहर कुछ भी करें, तो मटेरियल सक्सेस भी कुछ भी नहीं है, रिलेशनशिप को भी मैनेज करना आसान है, कुछ भी करना इट्स ऑल इजी.